हेलो रोन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सभी का कैसे हैं? आप सभी कड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो मैंने जी शिवरात्रि पे और भी कितनी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप भी ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो भी है जी, ये मतलब मेरी खुद की फेवरेट वीडियो है जो मैं कि मुझे देखनी है और मुझे आप लोगों के साथ देखनी है। उम्मीद है कि आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम लोग देखने वाले हैं आज की जो वीडियो, ये जो शंकर महादेवन एक सिंगर हैं उनकी आवाज़ में हम लोग सुनने वाले हैं शिव अंगदवम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये जो अभी शिवरात्रि गुजरी है उसी की वीडियो है। तो प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पर देखते हैं आज की वीडियो। वाओ। शंकर महादेवन, वाओ, इनकी आवाज में वाओ, बहुत ही मजा आता है सीरियसली। इतने ज्यादा लोग, ये थोड़ा अलग टाइप का है जो मैंने सुना हुआ है, मतलब दूसरा वाला आपको पता है, इसका म्यूजिक थोड़ा चेंज है। अलग स्टाइल में थोड़ा सा गा रहे हैं। लोगों की एनर्जी हो रही है ना, एनर्जी लोगों की देखने वाली है सीरियसली। ओह,
लाखों लोग हैं बोल रहे हैं यहाँ पे जमा हुए। सही बात है। मैजिकल ये इनके बेटे हैं। काफी अच्छी आवाज है लेकिन ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी। मैं शंकर महादेवन की आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी है और इतनी ज़्यादा मतलब कि होता है ना कि एनर्जी है इनकी आवाज़ में जब भी सुनो, ख़ास तौर पे शिव मंडप जब भी हम लोग सुनते हैं तो इतना ज़्यादा होता है ना कि एनर्जी आ जाती है। हम लोग का वो जो प्रूफ होता है वो हम लोग को इस वीडियो में ही देखने को मिलता है कि इस वीडियो में जो लोग थे वो उनकी आवाज़ पे ऐसे एनर्जी उनमें आ रही थी और वो ऐसे झूम रहे थे कि मतलब कि होता है ना कि उनको लग रहा हो कि वो आवाज़ से अपनी ना एनर्जी हर किसी में डाल रहे हो, ऐसा फील हो रहा था। और वही चीज़ वैसे वहाँ पर थी। इसी वजह से महाशिवरात्रि को मैजिकल नाइट भी बोला जाता है। और वो बोल रहे थे कि मैं मतलब गा रहा हूँ और सदगुरु मेरी मतलब कि सॉन्ग पे नाच रहे हों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अमेजिंग और मैजिकल मोमेंट्स थे जो कि हम लोगों को इसमें देखने को मिले। और ये जो शंकर महादेवन है, इनके जो बेटे थे उनके साथ मुझे उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है क्योंकि मैंने आई
डोंट थिंक इट्स ओके मैंने कभी उनको ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे देखा हो, क्योंकि मुझे उनका आइडिया नहीं था, बट उनकी भी काफ़ी अच्छी आवाज़ है, लेकिन उनके पिता की आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं है। और बहुत अमेजिंग ये वीडियो थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने भी महाशिवरात्रि पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और मुझे हर वीडियो देखने का उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है जितना ज़्यादा मुझे मज़ा इस वीडियो को देखने का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइबरशिप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलती रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। बाय।